बीजेपी के पेट में क्यों दर्द होता है? बागेश्वर धाम जी आ रहे थे छिंदवाड़ा। अगर वो प्रोग्राम बनाते हैं, अगर मेरा क्षेत्र है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश तो नंबर वन है, महिलाओं के अत्याचार में नंबर वन है, महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन में नंबर वन है। बीजेपी तो सब कुछ कहेगी, बीजेपी कमलनाथ के बारे में क्या नहीं कहती। अमित शाह आ रहे हैं, खुशी से आए, चुनाव आ रहा है, सब आएंगे, कहने के लिए कुछ भी कह दो। अंत में मध्य प्रदेश की जनता क्या कहती है। सर, बागेश्वर धाम की कथा कराने जा रहे हैं छिंदवाड़ा में आप? बागेश्वर धाम जी आ रहे थे छिंदवाड़ा। कब से कब? वो तो बहुत जगह जा रहे हैं, सब अभी राघोगढ़ भी गए थे, सब जगह जो जाते हैं। आप क्या सर, किस तरह का प्रोग्राम है? आप क्या मानते हैं, यहाँ भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, सब अब धार्मिक कार्यक्रम कराने लग गए इंदौर में, हर जगह? हम नहीं कर पा रहे। देखिए, बागेश्वर धाम जी हो, हमारे आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी हुए, उनका कार्यक्रम भी बना है, मैं उन्होंने बनाया। अगर वो प्रोग्राम बनाते हैं, अगर मेरा क्षेत्र है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। पर बीजेपी के पेट में क्यों दर्द होता है, मैं ये नहीं समझा। हम अगर एक धर्म, हम मंदिर जाते हैं, हम धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, मैंने हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में बनाया, इनके पेट में दर्द होने लग जाता है। लेकिन बीजेपी का ये आरोप है कि कांग्रेस भगवाकरण कर रही है, हर जगह धार्मिक आयोजन करवा रही है, हर विधानसभा में। क्या कोई करवा सकता है? क्या मैं बागेश्वर धाम करवा सकता हूँ? अगर उनकी इच्छा ना हो, उन्होंने अपना कार्यक्रम जारी किया था और उन्होंने जारी कर दिया, क्योंकि छिंदवाड़ा में है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। कितनी सीटें आ रही हैं? मैं शिवराज सिंह जी नहीं हूँ जो ये घोषणा कर रहा हूँ। यहाँ पर आप आए हैं, नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, वहीं मेरठ में और उज्जैन में नाबालिग के साथ में रेप किया गया और करने वाले भी नाबालिग हैं। ये दुख की बात है। ये मैंने कहा कि सब हमारी व्यवस्था, कानून व्यवस्था चौपट है, इसलिए मध्य प्रदेश मशहूर है देश में महिलाओं के अत्याचार पर। दुख की बात है, ये बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि 90% तो ये बातें सामने आती नहीं हैं। अगर वो आने लग जाएं, मध्य प्रदेश तो नंबर वन है, महिलाओं के अत्याचार में नंबर वन है, महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन में नंबर वन है, और ये शिवराज सिंह जी की देन है। सर, बीजेपी कह रही है कि कमलनाथ जी कन्हैया कुमार के संग मंच साझा कर रहे हैं, जो देश का टुकड़े होने की बात करता है। ऐसी बात उन्होंने कभी नहीं कही, ये खड़े हैं यहाँ। बीजेपी ने कहा है सर, बीजेपी तो सब कुछ कहेगी, बीजेपी कमलनाथ के बारे में क्या नहीं कहती। सर, अमित शाह आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, खुशी से आए, चुनाव आ रहा है, सब आएंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने बोला है कि 160 सीट आएगी बीजेपी को। अब वो तो 200 क्यों नहीं कहा उन्होंने, मैं तो पूछता हूँ, कहने के लिए कुछ भी कह दो। अंत में मध्य प्रदेश की जनता क्या कहती है, वो प्रश्न